नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है एके नॉलेज में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मथुरा स्थित 7 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला मंदिर है श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में स्थित है। यह जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के माता पिता माता देवकी और वासुदेव को कंस के द्वारा कैद किया गया था। हिंदुओं के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व है। यह मंदिर के दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। दूसरा मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1814 में किया गया था तथा इसकी चमक अभी भी बरकरार है। यह यमुना नदी के घाटों के पास स्थित है तथा इसमें दर्शन का समय है 8:30 बजे से दोपहर के 10:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 7 बजे तक। हमारा तीसरा मंदिर है बिरला मंदिर, जो कि मथुरा जंक्शन से सिर्फ 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है। यह मंदिर गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। इसमें दर्शन का समय गर्मियों में 5 बजे से 12 बजे तक होता है और दोपहर को 2 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। वहीं सर्दियों में दर्शन का समय बदलकर 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कर दिया जाता है और दोपहर को 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक कर दिया जाता है। हमारे चौथे स्थान पर आता है श्री जुगल किशोर मंदिर, जो कि मथुरा के केसी घाट के पास स्थित है और इसीलिए इसे केसी घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शहर के 4 सबसे पुराने मंदिरों में आता है। मंदिर का निर्माण 1727 में किया गया था। पांचवा मंदिर है केशव देव मंदिर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पीछे की भूमि पर स्थित केशव देव मंदिर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस भूमि पर बनाया गया है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाकर रखा गया था। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक है। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े हमारे चैनल एके नॉलेज से और फॉलो करें हमारा इंस्टा पेज।